नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था जुमे की नमाज के बाद, जिसमें पत्थरबाजी हुई, कई सारे लोगों पर मामला भी दर्ज हुआ है। और उसी में शम्स तबरेज कासमी साहब पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। स्वागत है सर आपका। तो उसमें जो धाराएं लगाई गई है उसमें 505, 507 और IT 66 लगाई गई है, और उसमें जो एक्सप्लेन किया गया कि फेक न्यूज़ और वीडियोस डालने में कानपुर वायलेंस के रिलेटेड। अब कानपुर का जो वायलेंस हुआ जुमा का दिन था, उस दिन लोगों ने देखा कि किसने पथराव किया, किस तरह से पूरा मामला हुआ। तो कानपुर वायलेंस को लेकर के हमने एक वीडियो ट्वीट किया था, बल्कि उस ताल्लुक से हमने 3-4 ट्वीट किया था। पहले एक वीडियो हमने ट्वीट की थी जिसमें मैंने बताया कि कानपुर में प्रोटेस्ट हो रहा था नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, जिसके बाद हालात ख़राब हो गए और पथराव हुआ दोनों जानिब से। उसके बाद हमने एक और वीडियो ट्वीट किया और उसमें मैंने लिखा, क्योंकि दिखाया जा रहा था मैनेस्ट मीडिया में कि मुसलमान पथराव कर रहे हैं, कुर्ता वाले, टोपी वाले, पैजामा वाले पथराव कर रहे हैं, और दूसरे लोग सिर्फ पत्थर खा रहे हैं या चुपचाप खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था। तो मैनेस्ट मीडिया के इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मैंने एक वीडियो ट्वीट किया। उसमें मैंने लिखा कि इस वीडियो में एक पक्ष को साफ तौर पर देखा जा सकता है पत्थर फेंकते हुए, पुलिस भी वहाँ मौजूद है, क्या इस पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। वो वीडियो अभी भी मौजूद है, ट्विटर पर मौजूद है। तो वीडियो मैंने ट्वीट किया। उसके बाद मैंने एक और वीडियो ट्वीट किया, रूबिका लियाकत ABP न्यूज़ के एंकर है, उसने एक फ़ोटो शेयर किया हुआ था जिसमें साफ तौर पर कुछ लोग दिख रहे थे कुर्ता टोपी लगाए हुए और उनके हाथों में पत्थर है। मैंने रूबिका लियाकत को टैग किया और एक और दूसरी वीडियो मैंने ट्वीट की और मैंने कहा ये वीडियो मीडिया वालों को क्यों नज़र नहीं आ रही है, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग भी पत्थर फेंक रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो मेरे 3 ट्वीट्स थे उस दिन के, और मुझे लगता है इसी ट्वीट्स की बुनियाद पर पुलिस ने मेरे खिलाफ़ FIR दर्ज कर दिया। ये वीडियो वहीं की है और जिसमें दूसरे पक्ष के लोग भी मौजूद है। दरअसल हुआ क्या कि जो वायलेंस हुआ तो एक तरफा तौर पर मुसलमानों को मुजरिम ठहराया गया, मुसलमानों को दोषी करार दिया गया। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों ने नमाज के बाद ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराया, मुसलमानों ने ज़बरदस्ती पथराव किया और पहले से पत्थर लाए गए थे। उस नैरेटिव को मैंने इन वीडियोस के जरिए, ट्वीट के जरिए काउंटर किया और पुलिस भी वहां दिख रही थी। शायद इसलिए पुलिस को मेरी बात बुरी लगी हो कि इसने सच क्यों दिखा दिया, जो हम ये दिखाना चाह रहे थे या जो मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि सिर्फ मुसलमान पत्थर फेंक रहे। अब जब दूसरी तरफ से बात आएगी तो कमजोर होगा, दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, मामला एक तरफा नहीं है। तो शायद पुलिस ने इसी बुनियाद पर मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है, हालांकि केस की कोई वजह बनती नहीं है। एक जर्नलिज्म का काम है एक रियलिटी दिखाना है, वीडियोस वहाँ की मौजूद है, मैं दिल्ली में था, मैं वहाँ था भी नहीं। अब इसके बावजूद पुलिस ने अगर मेरे खिलाफ एक्शन लिया तो पुलिस ही बताएगी कि ये सच बोलना या हकीकत पर मबनी ट्वीट करना कब से जुर्म बन गया है, कब से क्राइम बन गया है और क्यों FIR दर्ज की गई, इसका सही जवाब पुलिस ही बताएगी। लेकिन जो मेरा मामला है, मेरा जुर्म है, वो सिर्फ यही है कि मैंने कानपुर वायलेंस की उन वीडियोस को ट्वीट किया था जिसमें दूसरे पक्ष के लोग पत्थर फेंक रहे थे और पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। आपका जो वीडियो जो आपने सोशल मीडिया हैंडल, अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, उस वीडियो में दोनों तरफ के लोग दिख रहे हैं पत्थर मारते हुए, या आप सिर्फ एक तरफ की वीडियो है, उसमें है क्या पूरा एक्चुअल में, दिख क्या रहा है, सीन क्या है वो? देखिए, उसमें एक तरफ के लोग दिख रहे हैं, पुलिस मौजूद है और पुलिस के सामने में कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस के साथ जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो कुल लोग हो सकते हैं, कुछ लोग भगवा कलर का गमछा भी ओढ़े हुए हैं। तो साफ दिख रहा है कि दूसरे पक्ष के लोग भी पत्थर फेंक रहे थे, सिर्फ मुसलमानों ने पत्थर कानपुर में नहीं फेंका था। अब आपके ऊपर जो मुकदमा किया गया है, अब उसको किस तरीके से देखते हैं? जो कानूनी कार्रवाई है हम कर रहे हैं, लीगल प्रोसेस है, चूँकि मुकदमा है, FIR है, तो उसको हल्के में नहीं ले जा सकता है। पुलिस ने हमें कोशिश की है डराने की, खौफजदा करने की, लेकिन हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है, हमने हकीकत पर मबनी एक वीडियो ट्वीट किया है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। एक लीगल प्रोसेस है FIR का, तो उसको हम अपने वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट है, इस मामले को देख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया का आपने जिक्र किया, और दरअसल जब भी ऐसे इस तरीके के मामले अलग अलग जगहों से आते हैं तो वो भी अपना जो है कवरेज दिखाते हैं और उन पर काफ़ी आरोप भी लगते हैं कि आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं। कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए होंगे जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक तरफा वीडियो दिखाकर जो है चिन्हित करते हैं, सर्किल बनाकर, एरो बनाकर। उनके बारे में आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्या उनसे नफरत नहीं फैलती है? देश के अगर हालात ख़राब है, नफ़रत फैली है, इस्लामोफोबिया फैला है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बना है, तो उसका 90% क्रेडिट मीडिया को जाता है।
लोग मीडिया को देखते हैं, खा टीवी चैनल पर उनकी खबरों को देख रहे हों या व्हाट्सएप पर देख रहे हों या यूट्यूब फेसबुक ट्विटर जहां भी देख रहे हो, तो अगर देश के हालात ख़राब है और देश के हालात ख़राब है, देश में इस वक्त नफरत पाई जा रही है, देश में इस्लामोफोबिया है, ये सब लोग जानते हैं, सारे लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार मेनस्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, हिंदी के अखबार हैं और ये सब जानते हैं। अभी आपके आने से पहले मैंने ट्वीट किया, अब जी हिंदुस्तान ने एक खबर चलाई कि जुमा के बाद देवबंद में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन, हालात ख़राब। अब वहाँ के एक अधिकारी ने उस ट्वीट पर कोट करके लिखा कि फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो, यहाँ सब कुछ हालात ठीक ठाक हैं। अभी मैं आपको मतलब दिखा ही रहा हूँ जो मैंने ट्वीट किया है या और उसका ये स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। तो देश की जो लोग हैं ना, आप देखिए, स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, सिचुएशन इज़ टोटली नॉर्मल, नो इंसिडेंट एट ऑल इन देवबंद, यानी देवबंद में सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल है। उसके बावजूद जी हिंदुस्तान ने, हाँ जी हिंदुस्तान जी ग्रुप का है, इसी का जी न्यूज़ है, इसी का जी इस्लाम है, इसी का एक पार्ट जी हिंदुस्तान है। जी हिंदुस्तान दरअसल इसने जी न्यूज़ से अलग हट करके शुरू किया था कि शायद एक अच्छी इमेज बन जाए जो हमसे लोग दूर हो गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं इसका। अब इसने क्या लिखा, जुमा की नमाज के बाद देवबंद में हंगामा, और इस तरह की फर्जी खबरें चलाई जा रही है। अभी सहारनपुर के हवाले से फेक न्यूज़ चलाई गई कि सहारनपुर में नमाजियों ने ज़बरदस्ती हिंदुओं की दुकानों को बंद कराया, हालांकि ऐसा मामला नहीं है, लोग सुबह से खुद ही दुकान बंद कर रहे थे। तो जो देश की मीडिया है, ये तो ताज़ा मामला है, हर मामले में लगातार जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, मुसलमानों के मुद्दों को खोज खोज करके लाती है। टीवी चैनलों पर डिबेट कराए जाते हैं, कुछ मौलानाओं को बैठाया जाता है, कुछ पंडितों को बैठाया जाता है, और जानबूझ कर मसला उनकी टीआरपी का होता है। जो लोग आप, मैं कई शो में गया हूँ तो मैंने देखा है कि जो लोग उन टीवी चैनलों पर बैठते हैं ना, डिबेट में रहते हैं, एक बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं, दूसरे बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उसमें कुछ लोग पार्टी के तर्जमान होते हैं, कुछ लोग पार्टी के तर्जमान नहीं होते हैं लेकिन उनकी भी अपनी कोई आइडियोलॉजी होती है, चुनांचे वो कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है। तो जब ब्रेक टाइम होता है ना, तो 10 मिनट का ब्रेक टाइम होता है, एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है टीवी चैनल पर, लेकिन यहाँ जो लोग हैं ना, ये बैठ के आपस में हंसी मजाक करते हैं, चाय भी पीते हैं, तो कभी एंकर की तरफ से कहा जाता है आप ज़रा सा, आपका जो पक्ष है ना कमज़ोर पड़ रहा है, ज़रा सा और विरोध में बोलिए, ज़रा सा और अच्छी तरह बोलिए, ज़बरदस्त तरीके से विरोध कीजिए, ज़रा हंगामा होना चाहिए, मज़ा नहीं आया, आप थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से बोलिए, उसको भी कहा जाता है ऐसे बोलिए, ये देखा है। और जो लोग टीवी चैनल पर जाते हैं उनसे पूछिए, वहाँ यही होता है, प्लानिंग के तहत, पूरी प्लानिंग के होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जब टीवी चैनल वाले लगा देते हैं वर्सेस अनसार रजा वर्सेस अजय देवगन और फलां फलां महंत, लेकिन वहाँ पर दोनों हंस रहे होते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, एक ही गाड़ी में कई मरतबा दोनों टीवी चैनल के स्टूडियो से अपने अपने इलाकों में आते हैं, मतलब एक ही गाड़ी होती है टीवी चैनल की, इनको यहाँ छोड़ दिया, उनको वहाँ ड्रॉप कर दिया, ऐसा होता है, लेकिन टीवी चैनल पर दिख रहे होते हैं। अगर मीडिया वाकई चाहता है कि इन दोनों में जो झूठ बात फैलाई जा रही, जो नफरत फैलाया जा रहा है, उसको ना दिखाए, तो उसको बंद कर सकता है। टीवी चैनल के पास राइट्स है कि वॉइस को बंद कर दे, आवाज़ को बंद दे। कई मरतबा के स्पोक पर्सन होते हैं, वो सही बात बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो उनकी वॉइस को कम कर दिया जाता है, उनका वॉल्यूम जो है वो डाउन कर दिया जाता है। आजकल लोग कहते भी हैं या बाज़ाब्ता की रिपोर्ट आई है कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग होते हैं उनका वॉल्यूम 100% होता है, जो कांग्रेस के लोग होते हैं उनका वॉल्यूम 50% रहता है, कुछ और लोग जो दूसरे जाते हैं जो बिल्कुल उनके दावों को मुस्तरद करते हैं उनके वॉल्यूम को 25% कर देता है, मतलब वो बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं देगा, कोई दूसरा बोल रहा है उसके मन की बात तो वो आपको सुनाई देगा। कई मरतबा टीवी चैनल वाले दोनों के वॉल्यूम को तेज़ कर देते हैं और लिख देंगे वर्सेस, आपको राइट है, आप इनको हटा दीजिए, कुछ और दिखा दीजिए, आप उसको मना कर दीजिए, एंकर को राइट है ना। मैं भी डिबेट करता हूँ देश के साथ, कमिला टाइम्स का एक प्रोग्राम है, अगर ज़्यादा लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं मैं दोनों को रोकता हूँ, हमारे पास ऑप्शन होता है, दोनों को म्यूट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो सारे ऑप्शन होते हैं, उसके बावजूद उनको दिखाते हैं, हंगामा करवाते हैं, क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ती है। अच्छा, लोग इसको देखना भी पसंद करते हैं, कसूर उनका नहीं है। आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या मिलर टाइम्स है, जिसका भी जायज़ा लीजिए, जहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती है, हंगामा, मिर्च मसाला, तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे। आप सुलझे हुई गुफ्तगू कीजिए, अच्छी डिबेट कीजिए, तो लोग कम देखना पसंद करेंगे, लोग झगड़े को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वही उनकी टीआरपी चल रही है। तो मुझे लगता है टीवी चैनल का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, उनका वक्ती फ़ायदा है, और अगर वो बात नहीं मान रहे तो आवाम को बात माननी चाहिए, ऐसे टीवी चैनलों को देखने से गुरेज करना चाहिए। वहाँ होता है क्या, वो एक तरह से समझिए कॉमेडी शो हो गया, तो जैसे जब दूसरा कॉमेडी शो देख लीजिए,